आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा उम्मत का फितना होगा माल और औलाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा उम्मत का फितना होगा माल और दौलत। दौलत की वजह से अल्लाह का काम वो ठीक से नहीं कर पाएगा और अल्लाह ताला का इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा कुताही करेगा। और औलाद, अगर हम नेक सोले औलाद रख के जाते हैं तो कल मौत के बाद भी हमारे लिए दुआ करता रहेगा और दान करता रहेगा, हमारे लिए हर वक्त दुआ करता रहेगा। अगर मैं नेक सोले औलाद नहीं बनाते हैं या जुआड़ी शराबी जिनाकारी ऐसे औलाद दुनिया में छोड़ के जाते हैं तो उनका गुनाह भी हमारे ऊपर आता रहेगा। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा उम्मत का फितना है माल और औलाद।